यहाँ पर उक्त धरना बीओबी स्पॉन्सर्ड बैंक की ज्वाइंट फोरम के द्वारा जो निर्णय लिया गया है हमारी कुछ मांगों के लिए उसके संबंध में आज यहाँ धरना रखा गया है। प्रत्येक ग्रामीण बैंक के द्वारा अपने प्रधान कार्यालय पे धरना दिया जाएगा, जिसमें गुजरात ग्रामीण बैंक, यूपी और राजस्थान तीनों शामिल हैं। उक्त धरने के माध्यम से हमारी कुछ मांगे हैं, जिनमें पदोन्नति स्पॉन्सर बैंक के समान होनी चाहिए। दूसरी मांगों में हमारे जो वेतन भत्ते हैं वो ग्रामीण स्पॉन्सर बैंक के समान होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पर स्पॉन्सर्ड बैंक का जो स्टाफ लगा रखा है उसकी जगह हमारे ग्रामीण बैंक का स्टाफ हो प्रबंधन के। चौथी मांग है हमारी इसमें कि जो नोटबंदी के दौरान हमारे कर्मचारियों ने लगातार कार्य किया है, दिन रात कार्य किया है, उसके लिए हमें जो प्रायोजक बैंक के सम्मान में वेतन उसके सम्मान हमें भत्ता नहीं दिया गया है, तो वो हमें उसके सम्मान भत्ता दिया जाए। मेरा नाम गिरधारी बंसल है, मैं BRKGB एम्प्लॉई एसोसिएशन के महासचिव के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। हम यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मैनेजमेंट है उसकी गलत नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आज यहाँ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अजमेर स्थित प्रधान कार्यालय पर सभी 12 क्षेत्रीय कार्यालयों से हमारे जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें ये रोष है कि हमको बैंक ऑफ बड़ौदा के समान सुविधाएँ और भत्ते नहीं दी जा रही है। उसके अलावा आप ये देखिए, हमारी जो 7 सूत्री मुख्य मांगे हैं उनमें पार्ट टाइम जो हमारे डेली वेजेज वर्कर लगे हुए हैं उनको स्थायी किया जाए, उनको न्यूनतम भुगतान भारत सरकार के मानकों के अनुसार किया जाए। हमारे जो कार्यालय सहायक हैं उनको स्पेशल बी ऑपरेटर का भत्ता और चाबी भत्ता दिया जाए। उसके साथ में हमारे जो पदोन्नति नियम हैं उनमें संशोधन करके उनको प्रायोजक बैंक के समान किया जाए। जो ऋण सुविधाएँ हैं उनकी ब्याज दरें हैं और उनकी जो पात्रता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के समान प्रायोजक बैंक के समान ही की जाए। और इसके साथ में सबसे बड़ा एक जो मुद्दा है तृतीय पक्ष उत्पादों के रूप में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का उत्पाद हम पे बीमा उत्पाद हमारे कर्मचारियों को अधिकारियों पर दबाव के रूप में थोपा जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, टारगेट दिए जाते हैं। तो ये इस सब के विरोध के रूप में धरना दिया जा रहा है और इसके अगले चरण में 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन अनशन और हड़ताल बैंक ऑफ बड़ौदा के वडोदरा गुजरात स्थित प्रधान कार्यालय पर किया जाएगा और 30 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मेरा नाम पवन अग्रवाल, मैं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन में सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूँ। बड़ौदा स्पॉन्सर RRB के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के स्तर की मांगों के लिए आज यहाँ पे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय अजमेर पर धरना दिया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग है कार्यालय सहायकों को सिंगल विंडो ऑपरेटर भी भत्ता एवं चाबी भत्ता दिया जाए, पदोन्नति नियम समानता से बैंक ऑफ बड़ौदा के समान लागू की जाए, जो दैनिक वेतन पे काम कर रहे हैं उनका वेतन न्यूनतम मजदूरी लागू की जाए और जो बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रतिनियुक्ति पे आए हुए स्टाफ है उसको समस्त स्टाफ को वापस लिया जाए और हमारे ऊपर जो दबाव से कार्य करवाया जाता है बीमा का वो बंद करवाया जाए। ये हमारी इन सभी मांगों के लिए हम आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं और यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंधन इन मांगों को नहीं मानता है तो आगे के चरण में हमारा 19 सितंबर 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रधान कार्यालय बड़ौदा गुजरात पर अनिश्चितकालीन अनशन व धरना किया जाएगा और अगले चरण के अंदर 30 सितंबर 2019 को तीनों ग्रामीण बैंकों में पूर्ण रूप से हड़ताल की जाएगी। हमारा आगे का प्रोग्राम है। इसके अलावा भी अभी यदि मैनेजमेंट नहीं मानता है तो हमारा संगठन अनिश्चितकाल की हड़ताल या और अन्य प्रोग्राम लेगा। मेरा नाम बनवारी लाल, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एम्प्लॉय एसोसिएशन के मुख्य सचिव।